हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैं अनुज कुमार से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने अकाउंट्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, डेफिनेशन कर लिए कुछ, अकाउंट्स का मीनिंग कर लिया हमने, साथ के साथ हमने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट कर लिया। इसके बाद हमने क्या करा था, जर्नल एंट्री पे हैं हम, तो चलिए उसके आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्री से आगे का हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं, नोटबुक ओपन करिए और नोटबुक जरूर मेंटेन करना है फटाफट से। चलो बच्चे, नेक्स्ट करते हैं सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं सेल्स रिटर्न, जिसको हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। इसके बाद परचेज रिटर्न हो सकता है एंड परचेज रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। आप सबकी तैयारी ठीक चल रही है एकदम? इंग्लिश की कैसी तैयारी चल रही है? सर, इंग्लिश की तो बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा बच्चे, इंग्लिश की अच्छी तैयारी चल रही है। चलो कुछ पूछते हैं। अब बताना, जैसे मैं किसी को अगर सामान बेचता हूँ, तो मैंने बोला गुड सोल टू मोहन, गुड सोल टू रोहन, गुड सोल टू दीपक। जब वो मुझे वापस करेगा तो मैं बोलूँगा गुड्स रिटर्न, किससे वापस आएगा तो बाय, गुड्स रिटर्न बाय मोहन, गुड्स रिटर्न बाय सोहन, इस तरीके से। और एक चीज हमें ध्यान रखना, सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न हमेशा उधार वाले का होता है, नगद वाला नहीं करते जनरली, आप ऑब्जर्व करोगे तो ये रहेगा। तो सेल्स रिटर्न को पहचानने का तरीका क्या है, सेल्स रिटर्न में हमेशा क्या रहेगा, सेंटेंस में गिवन होगा बाय, या तो सेल्स रिटर्न बोल देगा या गुड्स रिटर्न बोलेगा, तो आपको बोलेगा रिटर्न बाय के द्वारा। सेम ऐसे परचेज रिटर्न को पहचानने का तरीका क्या रहेगा, परचेज रिटर्न में हमेशा आपको बोलेगा टू, कि मैंने रिटर्न किया है तो टू, ठीक है। अच्छा सर, चलिए एक सेल्स रिटर्न का एग्जांपल। मैंने बोला गुड्स रिटर्न बाय रोहन ₹200। बस अब बात मुझे बताना, रोहन को जब मैंने सामान बेचा था तो डेटर था, यानी पहले रोहन हमारा क्या था, जब बेचा था तो डेटर हुआ करता था या अभी भी डेटर है? डेटर है सर, और सामान मैंने बेचा था, ठीक है ना। अब रिटर्न है तो सबसे पहले रिटर्न कौन सा रिटर्न है, बाय है, तो सर ये सेल्स रिटर्न है, तो मेरा फर्क किस पे पड़ेगा, सेल्स पे, सीधा फर्क पड़ेगा मेरे सेल्स पे पड़ेगा, सीधा फर्क पड़ेगा सेल्स पे। सेल्स क्या होगा, माइनस, और सेल्स क्या होता है, हमारा इनकम होता है सर, सेल्स तो इनकम होता है और सीधा सेल्स पे फर्क पड़ा है माइनस, तो क्या होगा, इट विल बी डेबिट, याद रखना है। डेटर, डेटर तो सर एसेट होता है। अब जब डेटर मेरा वो सामान वापस कर देगा रोहन, तो क्या मैं उससे पैसे मांगूंगा, नहीं सर, वो भी माइनस होगा। तो एसेट्स माइनस होने का मतलब क्या होगा, क्रेडिट। इसका मतलब एंट्री जो जनरेट होगा, वो एंट्री जनरेट होगा सेल्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रोहन, डेटर कम करो, रोहन, रोहन कितने का, ₹200 का, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रोहन। समझ में आई बात? हाँ सर, समझ में आ गई। चलिए इसके भी बता दो सर। मैंने बोला गुड्स रिटर्न टू दीपक,
रुपीज 200। अब बताना मुझे, जो मैंने दीपक को माल किया, सबसे पहले रिटर्न किया, कौन सा माल रिटर्न किया? जो हमने खरीदा था, परचेज जो किया था वो रिटर्न कर दिया। तो सर, परचेज जो किया था रिटर्न कर दिया, तो आपका परचेज तो कम हो जाएगा। बिल्कुल सही, मेरा परचेज कम होगा क्योंकि मेरे पास 10 गुड्स था, एक गुड्स मैंने वापस कर दिया, तो परचेज क्या होगा? कम होगा। तो परचेज तो एक्सपेंस होता है सर, परचेज क्या होता है हमारा? एक्सपेंस होता है। और जब एक्सपेंस कम होगा तो क्या होना चाहिए? इट शुड बी क्रेडिट। अच्छा, दीपक से जब आपने माल खरीदा होगा उधार, तो आपके लिए लाइबिलिटी होगा ना, क्रेडिटर होगा ये। बिल्कुल, तभी तो वापस करोगे, खरीदा हुआ माल तो वापस कर रहे हो, क्रेडिटर। क्रेडिटर तो सर लाइबिलिटी होता है। बिल्कुल ठीक। और लाइबिलिटी मेरा क्या कम होगा? पहले मुझे दीपक को 100 रुपये देने थे, 20 रुपये का माल उसके वापसी कर दिया, तो अब 80 देने हैं ना, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगा। तो इट शुड बी क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। ठीक है, एंट्री देखिए, दीपक अकाउंट, दीपक, दीपक के साथ अकाउंट थोड़ी आएगा सर, दीपक डेबिट टू परचेज, परचेज रिटर्न, चलिए नोट करिए, 200 रुपये का, 200 रुपये का बीइंग गुड्स रिटर्न टू दीपक। ठीक है, चलिए नोट करिए, नोट करिए। नोट करिए, कर लिया नोट। अगले पॉइंट की बात करते हैं सर, ये भी आ गया समझ में। ठीक है बच्चे, अगले पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा सर? नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड, और सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? एक खर्चा है, एक खर्चा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या होता है? ये इनकम होता है। सर ये आपने बोल दिया, हमें कैसे पता चला? प्रूफ करिए। ठीक है जी, एक एग्जांपल देखिए, मान लो ये बिजनेस है। हाँ के ना? हाँ सर। ये इसका मालिक है? हाँ के ना? हाँ सर। ये अलग है एक, ये एक अलग है? हाँ सर। इसने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए लगाए,
सर ये कैपिटल है, तो बिजनेस क्या बोलेगा, मेरे ऊपर कर्जा आ गया, मेरा लाइबिलिटी बन गया, उसको देना है, कितने देने हैं मुझे, 5 लाख रुपए, क्योंकि बिजनेस एंटिटी के अकॉर्डिंग। अब मुझे बताइए कि अब ब्याज अगर कैपिटल पे देगा तो बिजनेस कर्जा पे ब्याज देगा या लेगा? सर बिजनेस ने इस लाइबिलिटी पे ब्याज इसको देगा, ब्याज देगा, ब्याज देगा। तो जब ब्याज देगा तो इसके लिए क्या है, खर्चा, तो मैंने वही तो बोला है। और किस चीज पे ब्याज देगा वो कैपिटल पे ब्याज देगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होगा, हमारा खर्चा होगा। मान लो अब क्या करा, मालिक ने इसमें से 2 लाख निकाल लिए, मालिक ने 2 लाख निकाल लिए, अब ये क्या है बताओ, पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो ये क्या है सर, ये तो ड्राइंग है, ड्राइंग है। अब बिजनेस क्या बोलेगा, मैंने तुम्हें 2 लाख दिए, अब ये इसको जब दे रहा है उधार, तो ये इससे ब्याज लेगा या फिर ये इसको ब्याज देगा? सर बिजनेस इससे ब्याज लेगा, तो जब इससे इंटरेस्ट लेगा तो बिजनेस के लिए क्या है सर, बिजनेस के लिए इनकम है। समझ में आई बात? लेकिन हमेशा याद रखना, ये तो हम बुक की एंट्री करते हैं, कभी भी बिजनेस इसको कैश में नहीं देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ना ही मालिक इसको देगा। होगा क्या कि 5 लाख है तो इसका कैपिटल 10% अगर इंटरेस्ट है तो 5 लाख 50 हजार हो जाएगा, 5 लाख पे 10% जुड़ जाएगा, 2 लाख है, 10% ड्रॉइंग है, तो इसका ड्रॉइंग हो जाएगा 2 लाख 20 हजार, जो कहां से, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, ये समझ गए। चलिए एंट्री बताइए सर, एंट्री मैंने बोला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल 10% एंड कैपिटल मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिया, क्या हो रहा है ये, कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिया, कैपिटल 1 लाख। अब बताइए इंटरेस्ट क्या होगा? सर इंटरेस्ट 10% है और कैपिटल 1 लाख है, तो इंटरेस्ट तो 10 हजार होगा। अब ठीक है, रूल बताइए सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज अ एक्सपेंस, हाँ सर एक्सपेंस है, इट शुड बी डेबिट, बिल्कुल सर इसे डेबिट होना चाहिए। और बताओ कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा? सर ये लाइबिलिटी है, और कैपिटल सर लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगा तो इट शुड बी क्रेडिट, इसे क्या होना चाहिए, इसे होना चाहिए क्रेडिट। ओके, इसे क्रेडिट होना चाहिए। एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से? सर 10% निकालेंगे, 10 हजार। बीइंग क्या लिखेंगे सर, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, चार्ज ठीक है सर। सर अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी बता ही दो ना, चलो यहां से लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, ठीक है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ड्राइंग, दिख रहा है ना आप सबको, हाँ सर दिख रहा है, 50 हजार। तो ड्राइंग कितना इंटरेस्ट बनेगा सर, ये तो बनेगा 5 हजार, 50 हजार का 10% बनेगा 5 हजार। चलिए लिखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बताइए क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी बताया था, ऊपर लिखा भी है, देख के बताइए। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो होगा इनकम, रेवेन्यू फायदा है, तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। और ड्राइंग क्या होगा इससे, ड्राइंग बोला था ना, ड्राइंग 2 20 हो जाएगा, तो ड्राइंग बढ़ जाएगा, ड्राइंग होता है हमारा कैपिटल को क्या करता है, ये कैपिटल को माइनस करता है, इट मीन्स ये लाइबिलिटी को कम करता है, तो ड्राइंग होना चाहिए डेबिट। एंट्री एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट सर 5,000। अमाउंट 5,000। बीइंग, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग रुपीस 5,000 चार्ज। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कर लिया। बस अब कुछ 5 या 6 एंट्री बच गए, बस वो भी खत्म करेंगे। एक आउटस्टैंडिंग की, एक प्रीपेड की, एक एक्रूड की, एक एडवांस की, बस 4 एंट्री। फटाफट नोट करिए इसको आप। नोट करिए बच्चे। कर लिया नोट? हाँ सर, नोट तो कर लिया। चलो मिटा देता हूँ। अब आपको याद होगा मैंने बताया था खर्चे का अगर पेमेंट एडवांस कर दें तो हम एसेट्स मानेंगे, और अगर खर्चे का पेमेंट नहीं करते तो लाइबिलिटी। तो उसी की बात करेंगे हम। पहले बात करते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग के कितने सारे नाम हैं, मैंने थ्योरी में लिखा था। आउटस्टैंडिंग को हम ड्यू भी कहते हैं और अनपेड भी कहते हैं और पेबल भी कहते हैं, एरियर भी कहते हैं। बस इतने नाम बहुत हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताओ क्या होता है नेचर? सर ये लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी को क्या होना चाहिए? सर क्रेडिट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, मैंने लिखा रेंट ड्यू रुपीज 5,000। इसका मतलब रेंट देना बाकी है 5,000 रुपये। तो एंट्री क्या होगा? रूल देखो, एक तो यहाँ पे ड्यू आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो तो लाइबिलिटी है, दैट्स वाई ये तो हो जाएगा क्रेडिट। लेकिन खर्चा तो कर ही चुके हो ना, इस साल के लिए खर्चा है, अगले साल के लिए लाइबिलिटी है। तो रेंट क्या है हमारा? एक्सपेंस है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। जनरल एंट्री क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ओ एस लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग, वो ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट, और ये लिखा 5,000, ये लिख दिया 5,000। सारी एंट्री आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बीइंग क्या लिखोगे? सर रेंट ड्यू, रेंट ड्यू रुपीज 5,000। बिल्कुल ठीक। एक और एंट्री सर, बिल्कुल देखो, मैंने लिखा रेंट पेड रुपीज 6,000 बट स्टिल ड्यू 2,000। इसका मतलब इसमें दोनों है। देखो बच्चे, मैंने पेमेंट भी किया है और ड्यू भी है,
तो 6,000 पेमेंट किया और ड्यू, यानी रेंट मेरा बकाया टोटल टोटल रेंट का खर्चा होगा 8,000। तो एंट्री कैसे करेंगे, देखो रेंट का जो खर्चा है वो तो पूरे 8,000 है कि नहीं? हाँ सर, रेंट का खर्चा 8,000 है जो एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग सर 2,000 है, बिल्कुल सही। और सर हमने पेड कितना किया कैश में? सर कैश में पेड किया हमने 6,000। तो देखो कैश पेड कर रहे हो तो एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग है तो क्रेडिट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से, रेंट खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या निकल के आएगा आपका? रेंट अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश, कैश में कितना पेमेंट किया है 6,000, और टू आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। इसको दो टुकड़े में भी कर सकते हो आप, कैसे? पॉइंट नंबर वन रेंट टू कैश 6,000, 6,000। और इसी का एक और पार्ट करोगे, मैं और में लिख रहा हूँ, या तो ये कर लो या तो ये करोगे, रेंट रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। तो देखो रेंट रेंट डेबिट है तो डेबिट डेबिट अल्टीमेटली 8,000 हुआ, तो यहाँ 8,000 आ गया। कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट हो गया, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है तो क्रेडिट हो गया। जल्दी से नोट करिए, ये हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है। बस चैप्टर खत्म ही होने वाला है, बस खत्म होने वाला है आपका चैप्टर, फटाफट से नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट? जी सर, नोटिंग डन। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, प्रीपेड, या फिर इसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड। ठीक है, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड। प्रीपेड का मतलब अनएक्सपायर्ड क्या होता है? एडवांस में खर्चा करना या एसेट, और एसेट शुड भी क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल सर, बिल्कुल, जैसे रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस रेंट पेड इन एडवांस ₹3,000। ठीक है, एडवांस में पेड किया। तो सबसे पहले देखो, एक तो प्रीपेड रेंट है, तो ये हमारा एसेट है, ये हो जाएगा डेबिट, और एक मेरा रेंट है जो कि अगले साल जाके एडजस्ट होगा, यानी अगले साल मेरा खर्चा इस साल का क्या हुआ? कम हुआ, तो एक तरीके से एक्सपेंस कम हुआ, तो ये होगा क्रेडिट। ठीक है, चलिए एंट्री करेंगे, प्रीपेड, प्रीपेड रेंट, रेंट टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट क्रेडिट होगा रेंट अकाउंट। ओके सर, समझ गए। और कुछ बताना है? नहीं सर, बस इतना ही। बीइंग प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट ₹3,000। चलिए प्रीपेड रेंट, इसको भी नोट करिए फटाफट से। जल्दी जल्दी नोट करिए, फटाफट से नोट करिए। और क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। आपने ये सारे टॉपिक नंबर वाइज लिखने हैं, मैंने नंबर तो नहीं लिखा, आपको लिखना है। ठीक है,
एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इनकम, तो एक्रूड इनकम बताओ क्या होता है? पैसा, इनकम कमा तो लिया लेकिन मिला नहीं, तो इसका मतलब ये तो एसेट है सर, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। ठीक है सर, एसेट से तो क्या होगा, डेबिट होगा, बिल्कुल ठीक। आउटस्टैंडिंग या एक्रूड या रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग का अगर खर्चे के आगे लगा देना हम, तो मतलब निकलता है पैसे देना बाकी है, लेकिन अगर इनकम के आगे लगा देना तो लेना बाकी हो जाता है। अगर मैं बोलूं रेंट रिसीव आउटस्टैंडिंग है, तो अब पैसे लेना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब सिर्फ होता है बाकी। हाँ, अब खर्चे के आगे आ गया तो देते हैं खर्चा, इसलिए खर्चा देना बाकी है। इनकम के आगे आ गया तो लेना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सिर्फ बाकी है, वो सेंस निकालेंगे। एक वर्ड होता है एक्रूड। एक्रूड वर्ड बेसिकली ब्याज को लेने के लिए लगाया जाता है, इंटरेस्ट को। सपोज करो मैंने आप सबको 10,000 रुपए उधार दे रखा है, आपको इंटरेस्ट 1 तारीख को देना था, आज हो गया 2 जुलाई, कल ही मेरे पैसे मिल जाने चाहिए थे, लेकिन आज तक मुझे नहीं मिला, तो कल मैं बोलता भाई मेरा इंटरेस्ट रिसीव है, आज मैं बोलूंगा इंटरेस्ट एक्रूड है, यानी लेना बाकी है। सेम इसे रिसीवेबल भी बोल सकते हैं, रेंट रिसीवेबल है, रेंट लेना बाकी है। तो ये मेरा लेना बाकी है, तो ये मेरे लिए क्या होगा? और एसेट शुड बी डेबिट किसमें? हाँ, तीनों का मीनिंग है, हमें इनकम के लिए लगाएंगे। हम किसके लिए ये सारे वर्ड लगा रहे हैं? तो इनकम तीनों में ही हमें पैसे रिसीव करना बाकी है। ठीक है, अब मैं कुछ एंट्री लिखूं। जैसे मैंने लिखा एक्रूड इंटरेस्ट ₹500, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट मुझे 500 लेना अभी रहता है, मिला नहीं है। सेकंड, रेंट रिसीवेबल ₹2,000, इसका मतलब है मुझे रेंट रिसीवेबल लगा है, रिसीव करना बाकी है, तो ये भी मेरे लिए एसेट्स है। थर्ड पॉइंट, कमीशन रिसीव आउटस्टैंडिंग या तो इसका मतलब भी हमें कमीशन को लेना बाकी है। क्लियर? अब रूल बनाते हैं, कोई भी इसमें से वर्ड लग जाए तो वो तो एसेट्स ही है, कोई भी वर्ड लग जाए तो इसका मतलब इट शुड बी डेबिट। लेना बाकी है तो इसका मतलब हर बार मेरा इनकम रहेगा, जो मुझे लेना बाकी है, व्हाट इनकम, इंटरेस्ट, कमीशन या फिर रेंट, तो इनकम शुड बी क्रेडिट, इंटरेस्ट शुड बी क्रेडिट। एंट्री पहले का देखो, पहले का होगा एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन, सॉरी इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट अमाउंट 500, 500 बीइंग एक्रूड इंटरेस्ट ₹500।
वैसे एक्रूड आप ना रेंट के आगे भी लगा सकते हो, लेकिन एक्रूड बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लगाया जाता है इंटरेस्ट के लिए सिर्फ, इसलिए मैंने इंटरेस्ट का ही एग्जांपल लिया, ठीक है। इसके बाद रेंट रिसीवेबल, सेकंड की जनरल एंट्री देखो, रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अमाउंट 2000, 2000 बीइंग रेंट रिसीवेबल रुपीज 2000। अगला है हमारा कमीशन रिसीव आउटस्टैंडिंग है, रिसीव्ड लिख दिया क्या मैंने, रिसीव या रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग मतलब कमीशन जो रिसीवेबल था अभी मुझे मिला नहीं है, तो एंट्री क्या करेंगे, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट या कमीशन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट, और अमाउंट क्या आ जाएगा, 100 रुपए। चलो ये क्लास वर्क में क्या है, कौन सा मतलब देखो, नहीं रिसीवेबल कहता है कमीशन रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, ऐसा भी तो हो सकता है कमीशन रिसीवेबल रिसीव्ड, समझे, मतलब जो कमीशन अब देखो ये तो अभी बाकी है, आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा ना, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, एक्रूड इंटरेस्ट रिसीव्ड, समझ में आई बात। तब एंट्री क्या करेंगे सोचो, जब रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट और एसेट्स खत्म हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि ये वाला खत्म हो जाएगा मेरा और कैश आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रिसीवेबल था और वो अभी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। अब नोट करिए आप,